ज्यादा गहरी है क्या? कछु नहीं, जो है छोटी सी के परिक्रमा लगाने जा रहे हैं, जिसका रास्ता यहाँ से जा रहा है। काफी दुर्गम रास्ता है दोस्तों, ये हमारे परिक्रमा का वही वाला फेज है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज फिर से एक और नए व्लॉग में। तो दोस्तों, आज के व्लॉग में मैं जाने वाला हूँ ट्रैकिंग करने के लिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ट्रैकिंग तो पहाड़ों पे की जाती है, तो उसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो मेरा होम टाउन है वो छोटे छोटे पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो आज हम जिस पहाड़ के ऊपर ट्रैकिंग करने के लिए जाने वाले हैं, उस पर है भगवान जी का मंदिर। तो बेसिकली डेस्टिनेशन हमारा वो मंदिर होने वाला है, और बाकी वहाँ तक हम पहुँचेंगे ट्रैकिंग करते हुए। तो गुरु जी की स्टाइल में चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम जहाँ जा रहे हैं आज, वो सिद्ध बाबा जी का मंदिर है, और वो यहाँ महोबा के पहाड़ों के ऊपर है। तो ये पूरा दोस्तों पहाड़ों का रास्ता है, जिसके बीच से होते हुए हम जा रहे हैं, और हमें लगभग अभी 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी है, जिसके बाद हम सिद्ध बाबा जी के स्थान पे पहुंचेंगे। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि मुझे अभी से थोड़ी बहुत हाँफी आने लगी है, अभी तो जस्ट स्टार्ट ही की है हम लोगों ने चढ़ाई। दोस्तों, जैसा मैं कहता, ये मेरे ताऊ जी हैं। ताऊ जी हाय करो सबको। हाय। ये मेरे सबसे बड़े भैया हैं, और ये जो ताऊ जी हैं उनके लड़के हैं, ये भी मेरे भैया हैं, चंदन भैया। और आगे जो दो लोग जा रहे हैं, ये हमारे गाइड हैं आज के लिए, क्योंकि हम लोग काफ़ी साल पहले यहाँ पर आए थे, और जिस स्थान पर हम जा रहे हैं वहाँ पर हम लोगों ने पिकनिक भी की हुई है। पर मैं उस समय शायद 5th या 6th क्लास में रहा हूँ, तो उसके बाद मैं आज इतने सालों बाद जा रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने लिया है अपना पहला ब्रेक, क्योंकि हम लोग काफ़ी ऊँचाई पर आ चुके हैं। वो जो आप सामने देख रहे हैं वो हमारा पूरा शहर है, और मतलब हम लोग इतनी ऊंचाई पे आ गए हैं कि अपने शहर को यहाँ से क्लियरली देख पा रहे हैं। कितने आगे और जाना है? 1/2 किलोमीटर और। और ये हैं दोस्तों हमारे महोबा के खूबसूरत पहाड़। दूर से देखने में दोस्तों ऐसा लगेगा जैसे एक के ऊपर एक पहाड़ रखे हुए हैं, चाहे आप यहाँ पर देखिए, या फिर ये वाले पहाड़ में देखिए, या फिर यहाँ पर देखिए। हमारा जो शहर है दोस्तों, वो ऐसे ही पहाड़ों से घिरा हुआ है, और सारे पहाड़ दूर से देखने में इतने सुंदर लगते हैं, और बस ऐसा लगता है कि कोई आया हो, उसने एक के ऊपर एक पहाड़ रख दिए हो। पर अच्छी से अच्छी आंधी आई, तूफान आई, पर कभी भी इन पहाड़ों का कुछ भी नहीं हुआ। रीच अवर डेस्टिनेशन, और ये है वो स्थान जहाँ के लिए हम इतनी ट्रैकिंग करके आए हैं। ये दोस्तों सामने हमारे सिद्ध बाबा जी हैं। बोलो सिद्ध बाबा भगवान की जय। दोस्तों, ये एक गुफा टाइप की है जहाँ पर मेरे भैया जाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ यार अंधेरा लग रहा है, कुछ गड़बड़ ना हो। सही बताओ, ज्यादा गहरी है क्या? नहीं, कछु नहीं, जो है सी छोटी सी गुफा है, बड़ बड़ सो गाइस, मैं भी यहाँ अंदर आ चुका हूँ। यहाँ तो उठने तक की जगह नहीं है कि अगर मैं खड़ा हो पाऊँ तो खड़ा भी नहीं हो पाऊंगा। यहाँ पर सिर्फ बैठे रहने की जगह है दोस्तों। ये बस छोटी सी गुफा है दोस्तों, वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर, जितना हम लोग बाहर डर रहे थे। तो आइए हम निकल के चलते हैं बाहर। अरे एक बार मैं यहाँ से क्या परिक्रमा लगाया मैंने, तो आगे ऐसे ऐसे पत्थर की जहाँ मैं फंस गया, मेरा पेट ही फंस गया। फिर मैंने नारे मारे, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, और निकल गया सब। तो दोस्तों, ये जो सिद्ध बाबा जी का मंदिर है, अब हम इनके परिक्रमा लगाने जा रहे हैं, जिसका रास्ता यहाँ से जा रहा है। काफ़ी दुर्गम रास्ता है दोस्तों। चप्पल वगैरह हम लोगों ने मंदिर के बाहर ही उतार दी थी, तो अभी हम लोग सब नंगे पैर जा रहे हैं,
और ततूरी भी काफ़ी लग रही है हम लोग। और ये देखिए दोस्तों पहाड़, बिल्कुल जो मैंने पहले भी बताया था ऐसा लग रहा है एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, ये वाला पहाड़ इससे टिका हुआ है और इसके ये बीच से हम लोग यहाँ से निकलेंगे। और ये हमारे गाइड बंदरों की तरह इस चट्टान के ऊपर बैठ चुके हैं। हिला दे, छोड़ दो, चट्टान गिर जाएगी नहीं तो सब दब जाएंगे हम। दोस्तों जो हमारा ओरिजिनल पाथ था परिक्रमा का वो वहाँ से था और जो चलते 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 यहाँ से जाना था, पर हम लोगों ने बीच में डाइवर्जन ले लिया और हम लोग इस चट्टान में चढ़ के ऊपर आ गए हैं और सब लोग यहाँ पर इस नज़ारे को एंजॉय कर रहे हैं। ये अभी आप और डिटेल से इन पहाड़ों को देख पाएंगे। जैसा मैंने पहले भी बताया है आपको, इस वाले पत्थर को देखिए कैसे रखा हुआ है कि बस अभी गिर जाएगा, हवा का झोंका चलेगा, पर कई सालों से ये तब से ऐसे के ऐसे ही रखे हुए हैं। देखिए कितना सुंदर और खूबसूरत नज़ारा है। और ये देखिए ये भी बिल्कुल ऐसे ही लग रहे हैं जैसे बस कोई आया हो और उसने एक के ऊपर एक बिल्कुल स्टाइल से रख दिया। उमेश भैया, जो आप कह रहे हैं कि ये कुदरती हैं पहाड़, तो कुदरती ऐसे कैसे हो सकते कि एक के ऊपर एक रख, जैसे देहरादून वगैरह के पहाड़ हैं वो ऐसे नहीं है चट्टान वाले, वो नॉर्मल मिट्टी वाले ही पूरे पहाड़ बने हुए हैं, पर ये वाले पहाड़ कैसे पैदा हुए होंगे ज़मीन से। दोस्तों ये हमारे परिक्रमा का वही वाला फेज है जहाँ ताऊ जी ने बताया था कि वो फंस गए थे। अब मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ, देखता हूँ कैसे निकल। अरे सब निकल गए, मेरे लिए तो रुक जाओ भाई। अरे मैं तो आराम से निकल गया। वाह यार कैसा है ये पूरा गोल गोल घूमते हुए पहाड़ों से का परिक्रमा, बड़ा बड़ा लंबा परिक्रमा है यहाँ का क्यों लेकिन है काफी इंटरेस्टिंग। आराम से हो 500। गाइज नीचे से ऊपर तक आने के लिए हमें जितनी मेहनत नहीं करनी पड़ी उससे ज़्यादा मेहनत हम लोगों को सिर्फ परिक्रमा काटने में लगी। और क्यों, वो मैंने आपको दिखा दिया है कि कैसी कैसी बीच में रास्ता हम लोगों को मिली। और ये जो पूरा मेरे पीछे पहाड़ है इसके पूरे हम लोगों ने परिक्रमा काटे। ये होता है दोस्तों ब्लॉगिंग का नतीजा कि आपकी पूरी टीम आपसे इतने आगे निकल जाती है और आप शूट करने के चक्कर में यहाँ पीछे रह जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों को तो मज़ा आ रहा है ना, तो बस जल्दी जल्दी से लाइक बटन दबा दीजिए, मुझे भी थोड़ा मजा आ जाएगा। रुक जा भाई मैं भी आ रहा। कौन सी देवी मैया का मंदिर है? संकटा माता। बोलो संकटा माता की जय। हम अपने गाइड लोगों का भी थैंक यू करना चाहते हैं जो हमको रास्ता दिखा के यहाँ तक लेके आए। और तुम लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत ही मजा आया। तो हमारी जो टीम के सबसे बड़े सदस्य थे आज जो आपके सामने जा रहे हैं वो लौटते हुए हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं और हम सब उन्हीं के पद चिन्हों पर आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। आप में से जितने भी महोबा वाले ये वीडियो देख रहे हैं अभी आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आपको वीडियो को इतना शेयर करना है कि सबको पता चलना चाहिए कि हमारे महोबा में भी अच्छी अच्छी घूमने की जगह हैं। और जो लोग बाकी जगहों से ये वीडियो देख रहे हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि हमारे देश में काफ़ी ऐसी जगह हैं जो अंडर रेटेड हैं, लोग वहाँ एक्सप्लोर नहीं करते हैं, लोगों को उसके बारे में पता नहीं है। तो आप भी शेयर करिए ताकि आपके शेयर करने से लोगों को पता चले कि ऐसी भी अच्छी अच्छी जगह हमारे देश में घूमने के लिए हैं। अब दोस्तों एक और चीज़, मेरा एक फ्रेंड है अभिषेक, तो उसकी एक वेबसाइट है जिसमें वो करंट टॉपिक्स जो भी मतलब हॉट टॉपिक्स होते हैं उन पे वो ब्लॉग्स लिखता है, तो उसकी वेबसाइट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो जाइए चेकआउट करिए। दोस्तों आप लोगों से एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, आपको तो पता ही है कि हमारे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स बहुत ही जल्दी होने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी अपने आसपास के लोगों से चैनल को सब्सक्राइब कराइए और जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर्स होते हैं फिर आप लोगों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ मेरी तरफ से। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट करने के लिए तो मैं आपसे ऑलरेडी बोल ही चुका हूँ। तो बस इसके साथ अब मैं मिलता हूँ आपसे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।